नमस्कार, स्वागत है आपका एक मुलाकात में। मैं हूं मनोज टिबड़ेवाल आकाश। आज के अंक में हम आपकी खास मुलाकात करवा रहे हैं सांसद प्रिया दत्त से। फिल्म जगत की दो बड़ी हस्तियों सुनील दत्त और नरगिस जी की बेटी प्रिया दत्त मुंबई में अपनी एक खास पहचान रखती हैं। जीवन में तमाम उतार चढ़ाव देखने वाली प्रिया दत्त इस समय मुंबई की उत्तर पश्चिम लोकसभा सीट से लगातार दूसरी बार सांसद चुनी गई हैं। आज हम आपको प्रिया दत्त जी के जीवन के तमाम पहलुओं के बारे में विस्तार से बताएंगे। प्रिया जी, आपका स्वागत है हमारी खास पड़ताल एक मुलाकात में। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे प्रिया, कि आपके बारे में हमने सुन रखा है कि आप एक जर्नलिस्ट बनना चाहती थी लेकिन बन गई पॉलिटिशियन। जी बिल्कुल। और मैंने बहुत मैं हमेशा चाहती थी कि लोगों के हित में काम करूं। तो मैंने टेलीविज़न प्रोडक्शन किया न्यूयॉर्क में एक साल के लिए। मैं आके फिर मैंने एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई मेरी माँ पर। वो मेरा पहला प्रोजेक्ट था। और इस डॉक्यूमेंट्री के थ्रू मुझे एक्चुअली उनकी पहचान मिली। मैं सिर्फ 13 वर्ष की थी जब मेरी माँ गुजर गई, तो बहुत कुछ उनके बारे में मैं जानती नहीं थी। तो इस दौरान, इस रिसर्च के दौरान मुझे बहुत कुछ उनकी ज़िंदगी के बारे में पता चला। तो इसी से वो मेरा पहला कदम था मीडिया में। और लेकिन उसके बाद मैं ज़्यादा फोकस डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स में करना चाहती थी। मैंने एक स्क्रिप्ट भी लिखी थी चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन पे। और एक साल का रिसर्च किया कमाटीपुरा में, जो रेड लाइट एरिया है मुंबई में। बहुत सारे लोगों से दोस्ती की वहाँ, और उनका हाल जाना और किस तरह से रहते हैं, किस तरह से हम इम्प्रूव कर सकते हैं उनकी ज़िंदगियों को। लेकिन जैसे मैंने कहा कि बहुत बहुत स्ट्रगल किया उस चीज़ को बनाना, लेकिन वो हुआ नहीं। और उस ज़माने में डॉक्यूमेंट्रीज़ को कोई देखता नहीं था। और इसी तरह आई रियलाइज्ड कि आई एम नॉट एन ओवर एम्बिशियस पर्सन। ना ही मैं जो रैट रेस में होता है ना, कि नहीं मुझे यहाँ से यहाँ जाना है, मैं कुछ भी कर लूँगी उसके लिए। मैं अनफॉर्चुनेटली उस किस्म की पर्सन नहीं हूँ। और इसीलिए मैंने सोचा कि ये शायद ये लाइन मेरे लिए ठीक नहीं है, और ना ही मैं आई थिंक इसके साथ आगे बढ़ूंगी। और फिर मैं सोशल सेक्टर में चली गई। 5 साल होने जा रहे हैं आपको बतौर सांसद। पहला दिन आपका कैसा था सांसद के तौर पे लोकसभा में? जैसे पहला दिन जैसे स्कूल या कॉलेज में होता है, उस तरह सा का मुझे महसूस हुआ। लेकिन मैं कहना चाहती हूँ कि सब लोगों ने हमारी पार्टी हो या अपोजिशन पार्टी हो, सब लोग ने बहुत कम्फर्टेबल मुझे महसूस करवाया। और मैं ये देख सकती थी कि मेरे पिताजी की जो लोग कितना उनको चाहते थे और कितना रिस्पेक्ट था उनके प्रति। आपके पिता दिवंगत सुनील दत्त जी की शख्सियत बड़ी निराली थी। कहते हैं कि जो भी उनसे मिलता था उनका होकर रह जाता था। बिल्कुल। बहुत कुछ एक्चुअली सीखने को मिला। और मैंने आई थिंक मेरी सबसे ज़्यादा, जैसे मैंने कहा 13 साल के वर्ष में मेरी माँ गुजर गई, उसके साथ आई थिंक 35 ईयर्स के उम्र तक मैंने उनके साथ गुजारा। और सबसे ज़्यादा सीखने को मुझे तब मिला जब मैं उनके साथ पदयात्रा में गई। वो 78 डेज मैंने मेरे पिताजी को सिर्फ एक पिता के हैसियत से नहीं देखा। मैंने तब महसूस किया कि उनकी उनकी पर्सनैलिटी क्या थी, वो लोगों के साथ कैसे इंटरेक्ट करते थे, वो इतना अपनापन था उनमें। ये जो हम पूरी टीम गई थी वहाँ अमृतसर, और उस समय जैसे एटमॉस्फेयर बहुत तंग था और हम जानते नहीं थे कि क्या होने वाला है दूसरे दिन। लेकिन और पिताजी बहुत प्रोटेक्टिव थे सबके बारे में। जब वो गुजर गए और मैंने देखा कि जब हम उनको ले आ रहे थे घर से और अंतिम संस्कार के लिए ले जा रहे थे, कि
झोपड़पट्टियों से, बिल्डिंग से, पूरे पूरे स्ट्रीट्स में, पूरे रोड पे लोग घर घर से निकल के आ रहे थे. और मैंने कभी ये सोचा भी नहीं था, यू नो, कि इतना प्यार होगा और इतने लोग सिर्फ उन्हें देखने आ रहे. आपके पिताजी की कौन सी बात आपके दिमाग में अक्सर गूंजती रहती है? बहुत सारी बात, लेकिन आई थिंक सबसे ज़्यादा जो था कि उनकी उनकी कमिटमेंट, उनकी सिंसेरिटी, और वो कभी अपने प्रिंसिपल्स से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते थे. अगर वो सोचते, अगर वो जानते हैं कि कुछ सही है, वो कभी उससे हटते नहीं थे, यू नो, इस प्रोफेशन. और मैंने ये महसूस किया क्योंकि मैं यही प्रोफेशन में आई. इसके बाद मुझे पहले बहुत डर लगा कि मैं, पता नहीं, मैं किसी को ठीक से जानती नहीं हूँ, पॉलिटिक्स में क्या होता है क्या नहीं होता है. तो मैं समझती हूँ कि जो कुछ भी मैंने इस 5 साल में पाया, आई थिंक उनकी गाइडेंस से पाया. प्रिया, आप अपने भाई बहन की तुलना में सबसे छोटी हैं. संजय और नम्रता की तुलना में अपनी माँ के आप बेहद करीब रही हैं. अपनी माँ के बारे में कुछ बताइए, कैसी इंसान थी वे? मेरी माँ बहुत बहुत वाइवेशियस, बहुत, जैसे वो एक बहुत संजय की तरह थी एक्चुअली, यू नो, वो बहुत कुछ छिपा नहीं था, और वो जो कुछ भी है आपको मुंह पे बोल देती थी. तो हम लोग बहुत चिढ़ाते थे उनसे कि, यू नो, कि आप, और माँ थी तो हमेशा, यू नो, घर में गुस्सा हम पे निकल आता था. पापा हमेशा बोलते थे, अरे छोड़ो, अभी, यू नो, माँ आ गई, उनको गुस्सा आ गया. तो हमें, यू नो, तो जब वो पार्लियामेंट में आई तो हम लोग बहुत खुश हो गए. तो चलो, मम्मा को अभी चांस मिलेगा चिल्लाने का पार्लियामेंट में, सबके ऊपर गुस्सा उतारने का. सो दैट वाज द फर्स्ट रिएक्शन जब वो पार्लियामेंट में आई. हम लोग बहुत छोटे थे तब. एंड बट शी, जितना मज़ा मैंने मेरी माँ के साथ किया है, यू नो, वो बिल्कुल ऐसे नहीं थी कि मैं एक एक्ट्रेस हूँ. हम लोग जाके, यू नो, स्ट्रीट कॉर्नर पे जाके गोलगप्पे खाते थे. वो मुझे स्कूल से पिकअप करती थी, हर स्कूल फंक्शन को अटेंड करती थी. यू नो, मैंने कभी, मेरे बचपन में मैंने कभी ऐसा महसूस नहीं किया कि मेरी माँ कितनी बड़ी स्टार है. प्रिया जी, आप अपने मम्मी पापा का अनुसरण करते हुए सांसद तो बन गई अपनी मम्मी पापा की तरह, लेकिन फिल्म स्टार नहीं बनी. इस क्षेत्र में क्यों नहीं हाथ आजमाया? कभी इंटरेस्ट नहीं था. मैं हमेशा कहती हूँ कि आई थिंक हम तीनों ने थोड़ा थोड़ा कुछ अपने पेरेंट्स से लिया. मेरे भाई ने, यू नो, फिल्म जगत में वो चले गए, मैं सोशल वर्क और पॉलिटिक्स में चली गई, और मेरी सिस्टर एक आर्टिस्ट है, यू नो, वो शी इज़ वेरी आर्टिस्टिक, पेंटिंग एंड थिंग्स पे. तो आई थिंक वो थोड़ा थोड़ा सब हमने ले लिया. भाई संजय दत्त के साथ बीच में आपके संबंध काफ़ी असहज हो गए थे, आजकल कैसे संबंध हैं? एक्चुअली कभी असहज नहीं थे. यू नो, आई थिंक हर घर में डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस होते हैं. हम और तो आई थिंक, लेकिन मीडिया ने बहुत ही ज़्यादा उसको बढ़ा दिया था. आई थिंक आप एक परिवार बोलो जिसमें आर्ग्यूमेंट्स नहीं होते हैं, जिसमें फाइट्स नहीं होते हैं. आई थिंक हम आज भी बैठ के हम लोग फाइट करते हैं. बहुत, इतने फाइट्स मैं मेरे पिताजी के साथ करती थी. लेकिन थोड़ा सा अंतर यह कि सेलिब्रिटी होने का कहीं कहीं नुकसान भी उठाना पड़ता है, शायद जो आपने उठाया. जी जी, बहुत ज़्यादा उठाया. इनफैक्ट, यू नो, ये सिर्फ इसके बारे में नहीं, इवन पहले जब मुश्किलें आई हमारे फैमिली में, जब मेरे पिताजी भी जिंदा थे, तो आई थिंक बहुत बहुत सहा है. और आई थिंक ये भी जो पीरियड था वो भी निकल गया है. और जैसे मैंने कहा, हर फैमिली में होता है, यू नो, उतार चढ़ाव, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, यू नो, झगड़े. लेकिन आफ्टर ऑल हम फैमिली हैं, तो बैठ के आपस में हम लोग ही निपटा लेते हैं. आपने सहन करने की बात की, आपके पिताजी ने, आपकी फैमिली ने काफ़ी सहा. जब संजय दत्त टाडा के केस में फंसे थे, तो उस समय आपके पिताजी को मानसिक तौर पर काफ़ी आघात पहुंचा. जी, काफ़ी दुख हुआ. जी, बहुत ज़्यादा. और मैंने पहली बार मेरे पिताजी को मेरे माँ के गुजरने के बाद इस तरह देखा, यू नो, और वो बहुत, और कभी कभी हमसे सहा नहीं जाता था, यू नो, कि वो किस तरह एक पिता के नाते किस चीज़ से गुजर रहे हैं. और आज मैं खुद माँ हूँ, तो आई थिंक अब मैं, यू नो, जान सकती हूँ कि उन पे क्या गुजरती होगी कि एक बेटे को, यू नो, इस तरह से देखते हुए. आपने माँ होने की बात की, आप माँ के अलावा एक पत्नी भी हैं, सांसद भी हैं.
तीनों जगहों पर किस तरह कितनी ईमानदारी के साथ समय दे पाती हैं? अब तक मैं आई थिंक मैं कुछ प्रॉब्लम है नहीं और अच्छी तरह से मैं सबको समय दे पाती हूँ। बहुत मुश्किल होती है मुझे इसको जगल करने के लिए, लेकिन मेरी आई थिंक ये सबसे मुश्किल काम है मेरे प्रोफेशन का कि किस तरह मैं यू नो, हर चीज़ को समय दे सकूँ, ईमानदारी से काम कर सकूँ। क्योंकि मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं, 5 साल और 3 साल के हैं, और मैं समझती हूँ कि ये जो माँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कभी ख़त्म नहीं होती। बहुत लोगों ने कहा कि अभी तो यू नो, जब मैं पहली बार इलेक्शन लड़ी, मैं 4 महीने से प्रेग्नेंट थी, और जब मेरा बच्चा पैदा हुआ, 3 दिन बाद मैं कैंपेन के लिए गई, तो तभी उन्होंने कहा ये सबसे मुश्किल समय होगा, ये गुजर जाएगा और फिर थोड़े बड़े होंगे तो वो ठीक हो जाएगा। लेकिन ये होता नहीं, और मैं समझती हूँ कि इस समय में वो ज़्यादा चाहते हैं कि मैं उनके साथ रहूं। और एक मुलाकात में यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी प्रिया दत्त जी से यह बातचीत जारी रहेगी। परिवार हो तो ऐसा बदन की बदबू नीचे ना आओ, नीचे ना आओ। आपको चाहिए नया सुपीरियर लेमन फ्रेश साबुन। इससे आपको मिलेगी कीटाणुओं से लड़ने की 100% गारंटी। सुपीरियर लेमन फ्रेश साबुन, पहले आप। India is growing, so are we. Welcome aboard India's largest shipping company by tonnage, the Shipping Corporation of India Limited. Switch on the lights and take a closer look at our large manganese ore resources and over 1 million tons of annual production of manganese ore in fiscal 2010. Take a closer look at 10 of our mines and our approximately 50% share in India's total manganese ore production in fiscal 2008. Moil Limited. Take a closer look at Moil, India's largest producer of manganese ore by volume in fiscal 2008. अब बनेगी भारत में भी विश्व स्तरीय इमारतें। जर्मन टेक्नोलॉजी से बना वर्ल्ड क्लास सीमेंट भंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हम एक मुलाकात में बात कर रहे हैं सांसद प्रिया दत्त से। प्रिया जी, बतौर सांसद अपने संसदीय क्षेत्र के लिए आपकी प्राथमिकताएं क्या क्या हैं? मेरे क्षेत्र में 75% स्लम है, तो वहाँ जो इश्यूज हैं बेसिकली स्लम रिलेटेड हैं। बेसिक नीड्स, हेल्थ एंड एजुकेशन पे मैं ज़्यादा फोकस कर रही हूँ। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे जैसे लोग उत्तर भारतीयों पर हमेशा उनको निशाना बनाते रहते हैं, क्या आपने कभी अपनी सरकार से कहा यह बात कि ऐसे तत्वों से सख्ती के साथ निपटा जाए? बिल्कुल, और बहुत आई थिंक यू नो फोर्सफुली हम लोग ने कहा कि आफ्टर ऑल एक ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि जहाँ भी हम जाएँ हिंदुस्तान में हमें ये हक बनता है कि हम जाके काम कर सकते हैं। तो इसमें ये बात बहुत ही गलत है, और जिस तरह से यू नो, एमएनएस के लोगों ने यहाँ हमारे स्टेट में यू नो, जैसे बिहार से आते हुए लोग, यूपी से आते हुए लोगों को मारा पीटा, तो इसके लिए हमने डेफिनेटली बहुत अपोज की और बहुत सख्ती से बोला भी गवर्नमेंट को कि कुछ दिस शुड नॉट बी टॉलरेटेड इन अ सिटी लाइक मुंबई। बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मुंबई को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने के लिए क्या कुछ किया जाना चाहिए? ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मैं समझती हूँ वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने के लिए, देखिए हम हमेशा वर्ल्ड क्लास सिटी या शंघाई बनाने का सपना देखते हैं, लेकिन मुंबई में बहुत ज़्यादा इश्यूज़ और प्रॉब्लम्स हैं। आई थिंक हमें स्टेप बाई स्टेप जाना चाहिए। हम सिर्फ वर्ल्ड क्लास सिटी यू नो, हाईवेज़ और मेट्रो लाइंस बनाने
में अगर हम सफल हो जाएं और हम खुश हो जाएं, उसमें आई थिंक दैट इज़ नॉट द ओनली वे वर्ल्ड क्लास सिटी इज़ मेड. अगर आप देखें, जैसे मैंने कहा डिस्प्लेसमेंट के बारे में, मैं चाहती हूँ कि एक ह्यूमेन फेस ऑफ डेवलपमेंट होना चाहिए. हम ये जो लोग हैं, जो इनक्रोचर्स हैं जैसे उन्हें कहा जाता है, या झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले हैं, आई थिंक वो ह्यूमन बीइंग है, वो एक इंसान है, वो ना ही एक कैटल है या गाय भैंस है जिनको इस तबेले से निकाल के दूसरे तबेले में डाल दिया. तो आई थिंक हमें वो फोकस देखना है कि हम किस तरह इनके रिहेबिलिटेशन में हम सफल रहें. उनको देखिए, जो कोई मुंबई में आता है वो अगर एक झुग्गी में भी रह रहा है वो फ्री में नहीं रह रहा है, वो रेंट पे रह रहा है या वो झुग्गी खरीदता है. तो हमें लो रेंटल हाउसिंग बनानी चाहिए, लो इनकम ग्रुप हाउसिंग बनानी चाहिए और भी ज़्यादा, ताकि जो लोग यहाँ आए काम करें या वो रेंट पे रह सकते हैं, या अगर वो 10 साल या 20 साल से ज़्यादा मुंबई में रह रहे हैं उनको एक घर खरीदने का मौका मिले, तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उनकी अच्छी बेटर रहे, बिलो पॉवर्टी लाइन से अबव पॉवर्टी लाइन आए. तो पहले तो फोकस वो होना चाहिए, फिर हम दूसरा स्टेप बोल सकते हैं कि अभी मुंबई को किस तरह से एक वर्ल्ड सिटी बनाना चाहिए. प्रिया, मैंने आपको संसद में सवाल पूछते हुए या फिर किसी बहस में हिस्सा लेते हुए बेहद कम देखा है, कारण क्या है? बहुत सारे सवाल तो मैं डालती हूँ, लेकिन आप जानते हैं कि बहुत मुश्किल से सवाल आते हैं संसद में, वो लॉटरी सिस्टम होती है. महिला आरक्षण बिल अभी भी पारित हो पाना दूर की कौड़ी लगता है. क्या आपको लगता है कि लोकसभा और विधानसभाओं में आधी आबादी यानी महिलाओं के युग का सूत्रपात हो पाएगा? हमारी पूरी कोशिश है कि ये हो और ये पास हो जाए, क्योंकि बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स भी हैं इसमें कि किसी की माँ आ जाएगी, किसी की बहन आ जाएगी. और मेरा आर्ग्यूमेंट ये है कि वो भी एक औरत ही है, अगर किसी की माँ हो, किसी की बेटी हो, और अगर पहले वर्ष में प्रॉक्सी भी हो वो ठीक है, क्योंकि आई थिंक एक औरत में इतनी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल अगर बढ़े और वो ये महसूस करे कि मैं ये काम कर सकती हूँ, तो फिर वो उस औरत को किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. तो आई थिंक इस तरह से महिलाओं को आगे लाना बहुत ज़रूरी है. मैं आरक्षण की बात हम जैसे महिलाओं के बारे में नहीं कह रही हूँ, लेकिन जो महिला गाँव में रहती हैं, 80% जैसे हमने कहा रूरल एरियाज़ में है, उनको किस तरह से मौका मिलेगा? लेकिन एक दूसरा चेहरा भी दिखाऊंगा इस हकीकत का. 15वीं लोकसभा में सबसे ज़्यादा महिला सांसद चुनी गई हैं. 15वीं लोकसभा में पिछली बार की तुलना में 10% ज़्यादा महिला सांसद चुनी गई हैं. 2004 में जहां 45 महिला सांसद थी, वहीं 2009 में देश ने 59 महिला सांसदों को चुना. लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि ज़्यादातर महिला सांसद अभी तक अपनी प्रभावी छाप संसद में नहीं छोड़ पाई हैं. क्या मानती हैं? देखिए, मैं भी जैसे मैंने कहा कि जब मैं पॉलिटिक्स में आई, मैं पॉलिटिक्स के बारे में कुछ नहीं जानती थी. मैं भी किसी की बेटी थी, इसलिए मैं आई राजनीति में. तो आई थिंक राजनीति में आके और संसद में आना बहुत बड़ी बात है, मेरे जैसे इंसान के लिए भी. और संसद की जो रूल्स हैं, प्रोसीजर्स हैं, उसको सीखने के लिए भी थोड़ा वक्त लगता है. तो जब एक महिला जो बिल्कुल जैसे मैंने कहा किसी की माँ होगी, किसकी बेटी होगी, जो आ जाते हैं इवन रूरल एरियाज से, उनको वक्त लगता है थोड़ा सा सेटल होने के लिए. लेकिन एवरीबडी लर्न्स ऑन द जॉब. लेकिन आप उनको आई थिंक जज इस तरह से नहीं कर सकते. आप उनको जज डेफिनेटली कर सकते हैं कि वो अपने क्षेत्र में किस तरह से काम कर रहे हैं, क्योंकि क्षेत्र में काम करके ही वो संसद आ सकती हैं. जैसे हम स्कूल में हर स्टूडेंट तो एक फर्स्ट क्लास स्टूडेंट नहीं हो सकता. कोई स्टूडेंट्स बहुत अच्छी तरह से बोलते हैं, कोई स्टूडेंट्स बहुत अच्छी तरह से लिखते हैं, कोई स्टूडेंट्स स्पोर्ट्स में अच्छे होते हैं. तो आई थिंक यहाँ भी एक मिक्स है. अगर मेनी टाइम्स आप बोल नहीं सकते हैं, आप अपना ले कर दीजिए लिखित. एटलीस्ट हमने ये प्रोटेस्ट किया और थोड़ा कुछ बोला, सो आई फील दैट्स द वे. ज़्यादा उनको जज करना चाहिए अपने क्षेत्र में कि वो वहाँ किस तरह से काम कर रहे हैं, किस तरह से लोगों की
लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. और ज़्यादा काम यहाँ होता है जब अपने क्षेत्र में, जब आप मिनिस्टर्स को मिलकर अपने क्षेत्र का काम करवाते हैं. यू नो, जहाँ जहाँ इश्यूज़ हैं, जहाँ जहाँ आप चाहते हैं कि वहाँ एक रोड बने, यहाँ कुछ पानी का इशू है या रोड का इशू, मैं रूरल की बात करी, तो रेलवेज का इशू है वो, यू नो, इस तरह से काम किया जाता है. और एक मुलाकात में यहाँ पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए. ब्रेक के बाद भी प्रिया दत्त जी से यह बातचीत जारी रहेगी. परिवार हो तो ऐसा. बदन की बदबू, नीचे ना आओ, नीचे ना आओ. आपको चाहिए नया सुपीरियर लेमन फ्रेश साबुन. इससे आपको मिलेगी कीटाणुओं से लड़ने की 100% गारंटी. सुपीरियर लेमन फ्रेश साबुन, पहले आप. India is growing, so are we. Welcome aboard India's largest shipping company by tonnage, the Shipping Corporation of India Limited. इन दोनों में नमक घुला है, मगर इसका रंग मटमैला क्यों? इसलिए क्योंकि इसमें मिलावट वाला नमक है. इस तरह की मिलावट खाने पीने की दूसरी चीजों में भी हो सकती है, तो चुप ना बैठे. याद रखें, खाने पीने की चीजों में यदि कोई भी मिलावट करता है तो उसे सजा, जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं. एग मार्क का निशान शुद्धता और गुणवत्ता की पहचान. जागो ग्राहक, जागो. महात्मा गांधी नरेगा में रोजगार के लिए आवेदन किसको? पंचायत को. गांव में काम करवाने की जिम्मेदारी किसकी? पंचायत की. गांव में कहां काम होगा, क्या काम होगा, ये तय कौन करेगा? ग्राम सभा. सोशल ऑडिट की जिम्मेदारी किसकी? ग्राम सभा. मैं हूँ इस गांव की सरपंच. रोजगार गारंटी से जुड़ी पंचायत और ग्राम सभा की जिम्मेदारियों को मैंने ठीक से समझा है, और आपने? अब बनेगी भारत में भी विश्व स्तरीय इमारतें. जर्मन टेक्नोलॉजी से बना वर्ल्ड क्लास सीमेंट, भंगर सीमेंट. सस्ता नहीं, सबसे अच्छा. India is growing, so are we. Welcome aboard India's largest shipping company by tonnage, the Shipping Corporation of India Limited. ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है. एक मुलाकात में हम बात कर रहे हैं फिल्मी जगत की दो बड़ी हस्तियां सुनील दत्त और नरगिस जी की बेटी प्रिया दत्त से. अपने पिताजी की तरह आप सांसद तो बन गई, क्या अब उनकी तरह केंद्र में मंत्री भी बनना चाहती हैं? जी नहीं, मैं, जैसे मैंने कहा, मैं ज़्यादा एम्बिशियस नहीं हूँ. मैं अपने काम में बहुत खुश हूँ, और आई थिंक मैं उतना ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहती हूँ जितना मुझसे हैंडल हो पाए. आपके अंदर पारंपरिकता और आधुनिकता का गजब का तालमेल देखने को मिलता है. आई थिंक मेरे पेरेंट्स से. संसद में जब भी आप मिलती हैं, मुस्कुराती हुई मिलती हैं. हर चीज़ को थोड़ी सी पॉजिटिव वे से देखना चाहिए. और मैं हमेशा भगवान को यही कहती हूँ, जो कुछ भी होना है, जो कुछ भी मुझे सहना है, आप सिर्फ मुझे ये शक्ति दो, सहन शक्ति दो. आपके जीवन का लक्ष्य क्या है? एक अच्छी, यू नो, इंसान होना, लोगों के प्रति, लोगों के हित में काम करना. और आई थिंक सबसे बड़ी अचीवमेंट अगर मेरी होगी, वो होगी जब मैं मेरे बच्चों को देखूं और वो बड़े होके एक अच्छे इंसान बने. आप खुद कैसी इंसान हैं? आई थिंक मैं अच्छी इंसान हूँ. मैंने कभी किसी का बुरा सोचा नहीं है, कभी किसी का बुरा किया नहीं है. आपका रोल मॉडल कौन है? मेरे पिता. राजनीति के अलावा क्या कुछ पसंद है आपको? ट्रैवलिंग. मैंने बहुत कुछ सीखा है ट्रैवलिंग के थ्रू.
ये भी पिताजी से ही सीखा था, क्योंकि जहाँ भी वो जाते थे उनके एक्सपीडिशंस में मैं उनके साथ चलती थी. और यू नो, जापान हो या भूटान हो, अमृतसर हो जो मुंबई से अमृतसर की यात्रा थी, तो जितना कुछ सीखने को मिलता है अपने ट्रैवल्स से, वो मैं समझती हूँ उस तरह का एजुकेशन कहीं नहीं मिलेगा. आपके जीवन की कौन सी ऐसी बात है जो लोगों को बेहद कम पता है? मैं एक स्कूबा डाइवर हूँ, और आई थिंक वो बहुत लोगों को शायद पता नहीं. और मैं बहुत एडवेंचरस पर्सन हूँ. अगर मैं रिस्क ले सकती हूँ, मैं वो थोड़ी सी जैसे ना, ज़्यादा कुछ फियर्स नहीं है मेरे में. और पहले भी जब मैं बड़ी हो रही थी, लोग मुझे पूछते थे सबसे ज़्यादा डर किससे लगता है, तो ऐसे डर लगने की ज़रूरत क्या होती है. यू नो, अगर आपको कुछ चाहिए, आपको कुछ अचीव करना है, तो यू हैव टू ट्राई इट. अगर आप कोशिश नहीं करें तो आपको पता नहीं चलेगा कि आप इसमें सही कर रहे हैं या यू नो गलत कर. सो आई थिंक यू हैव टू बी अ लिटिल फियरलेस. आप फिल्मी परिवार से आती हैं, आपके माता पिताजी खुद बहुत बड़े कलाकार थे फिल्मी दुनिया के. किस अभिनेता की फिल्म आप सबसे ज़्यादा देखना पसंद करती हैं? आमिर खान की. आई थिंक वो, क्योंकि जो कुछ भी फिल्म्स बनाते हैं वो बहुत वो कम फिल्म्स बनाते हैं, बट हर फिल्म में एक मीनिंग होती है. यू नो, एंड ही अगेन ही एक्सपेरिमेंट्स, यू नो, जैसे नए प्रयोग करते रहते हैं. बिल्कुल. और आई थिंक वो बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है. और अभिनेत्रियों में? मैं बहुत पसंद करती थी माधुरी को, माधुरी दीक्षित को. नौजवानों को आपका संदेश क्या है? नौजवानों को मेरा संदेश यही है कि आजकल के जो नौजवान मैं देख रही हूँ, आई थिंक उनमें बहुत उत्साह है, बहुत एनर्जी है, लेकिन हर चीज़ को बहुत जल्दी करना चाहते हैं. हर चीज़ में यू नो, वो पेशेंस थोड़ा कम है. मैं यही कहना चाहती हूँ कि ये नौजवानों का देश है, और ये हमारे जो नौजवान इस देश के फ्यूचर हैं, तो इस देश के फ्यूचर को कंट्रीब्यूट करने में उनका बहुत बहुत बड़ा हाथ होगा. बट आई थिंक थोड़ी सी सहन शक्ति, थोड़ा सा गाइडेंस, थोड़ी सी फोकस करना बहुत बहुत ज़रूरी है, और अपने आत्मविश्वास बढ़ाना बहुत ज़रूरी है. एंड आई थिंक मैं समझती हूँ कि अगर ये सब हो जाए हमारे देश के नौजवानों में, तो ये देश बहुत ही आगे बढ़ेगा. जी प्रिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद डीडी न्यूज़ से बातचीत के लिए, अपना व्यस्त समय निकालने के लिए. बहुत बहुत शुक्रिया. तो ये थी सांसद प्रिया दत्त जी, जिन्होंने तमाम सवालों पर हमसे विभागी के साथ बात की. प्रिया जी ने साफ कहा कि इनके जीवन पर इनके पिता दिवंगत सुनील दत्त साहब का गहरा असर है, और इनके जीवन का एकमात्र लक्ष्य है अपने पिता के अधूरे सपनों को पूरा करना. अगले सप्ताह हम आपसे फिर मिलेंगे इसी समय अपनी खास पड़ताल एक मुलाकात में देश की एक और नामी गिरामी हस्ती के साथ. तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत. नमस्कार.